ये बिल्कुल नेचुरल कलर है दोस्तों, इसमें मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं डाला है। जब आपके घर में मेहमान आ जाएं या आपका मन करे कुछ स्पेशल मीठा और हेल्दी खाने का, तो इसे आप झटपट और आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता दोस्तों, और खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है। इसे बनाना भी बेहद ही आसान है, इसे आप घर पर झटपट और आसानी के साथ बना सकते हैं। इसे बनाने में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज होती है, साथ ही साथ इस वीडियो में टिप्स भी बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली गई है, इसमें 2 चम्मच घी डाला गया है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम लोग मोटी वाली 1 कप सेवई डाल देंगे और इसे भूनेंगे। लगभग ये इसे भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। जब ये हमारी हल्का ब्राउन कलर के हो जाएगी तब इसका मतलब ये सेवई हमारी भून जाएगी। भूनने से क्या होगा, ये सेवई का हमारा जो है टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और सेवई भी हमारी हल्का सा ब्राउन कलर के हो चुकी है। अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसके बाद इसी कढ़ाई में लगभग 500 ग्राम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे हम लोग चलाएंगे और पकड़ने नहीं देंगे, क्योंकि चलाते रहेंगे तो ये पकड़ेगा नहीं, और जब उबलने लगेगा तब इसमें हम लोग केसर डालेंगे। केसर तो आपको पता ही है सेहत के लिए हमारे कितने लाभदायक होती है। साथ ही साथ इस दूध का जो कलर होगा दोस्तों बिल्कुल पीला हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा और बिल्कुल नेचुरल कलर आ जाएगा, जिससे हमारी देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ ही साथ ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। आप देखते हैं हल्का सा ये हमारा येलो कलर का दूध हो चुका है। अब इसमें 1 कप जो हमने भूना था मोटी वाली सेवई इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे चलाएंगे और पकाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे इसमें मेवे डालेंगे, मेवे भी इसमें हमारे पक जाएंगे। तो जब ये हमारी उबलने लगे तब इसमें हम लोग मेवे अपने डालेंगे। तो मेवे में यहाँ पर काजू लिया गया है और काजू के बाद इसमें हम लोग बारीक कटा हुआ बादाम भी डाल देंगे। बादाम के साथ आप किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं, और इसमें किशमिश भी डाल दिया गया, आप अपने अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं ड्राई फ्रूट। और इसे हम लोग चलाएंगे और लगभग इसे समय लगेगा 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम लोग चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पर 1 कप ली गई है, 1 कप सेवई थी तो 1 कप हम लोग चीनी इसमें ले लेंगे। और तब तक हमारी चीनी गल रही है तब तक इसे हम लोग गाढ़ा करने के लिए अपना एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट में दोस्तों 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया गया है। कस्टर्ड पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, अगर आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो कस्टर्ड पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं, मैं रेसिपी डाल दूंगा। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाला गया और मिक्स कर दिया गया ताकि हमारी रेसिपी गाढ़ी हो जाए, और इसे घोल बनाकर ही डालना है, पाउडर नहीं डालेंगे वरना इसमें जो है गिल्डी पड़ जाएगी दोस्तों। तो घोल बना के इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम लोग ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद ये हमारी गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होने के बाद इसका गैस फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो गई है। अब इसकी गैस फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तब तक ये हमारी ठंडी हो रही है, मैं तब तक चिक्की बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये चिक्की मैंने बनाई है घर पर, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब इसे हम लोग ठंडा हो चुका है दोस्तों, इसे सर्व करते हैं। तो जो हमारी थोड़ा सा इसमें फ्रूट लिए गए हैं, अनार लिया गया था 1, और इसे जो है इसमें गिलास में डाला जा रहा है, इसे हम लोग सजाएंगे इसे। और थोड़ा सा बनाना लिया गया था केला, इसे जो है काट लिया गया है, और थोड़ा सा सेब लिए गए हैं। इसके ऊपर हम लोग ठंडी होने के बाद इसे डाल देंगे, बहुत ही देखने में अच्छी लगेगी और उतना ही खाने में ज़्यादा टेस्ट इसका रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा सेब डाल दिया गया है, आप अपने अनुसार इसे सजा सकते हैं। और फिर इसे जो है मेहमानों को या किसी को सर्व करके खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, ये हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो लोग बनाएं और आपको खाने को मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।